सबका साथ सबका विकास के साथ सबका विश्वास इस बार के बजट भाषण की खास झलकी था। इस लाइन पर बजट के बाद सबसे ज्यादा अमल टैक्स विभाग ने किया है। पहले तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स स्क्रूटनी को फेसलेस बनाए जाने का ऐलान किया। इसके बाद छोटे मोटे टैक्स डिफॉल्ट को मुकदमेबाजी से अलग किया। अब आयकर विभाग वन टाइम टैक्स डिक्लेरेशन स्कीम लाने जा रहा है। आयकर विभाग को उम्मीद है कि इस स्कीम के जरिए वो 8 लाख करोड़ के टैक्स विवादों का निपटारा कर सकेगा। जानकारों का मानना है कि इससे टैक्स कलेक्शन के साथ ही देश भर में चल रहे टैक्स से जुड़े मुकदमों में काफी कमी आएगी। जो पेंडिंग केसेस हैं, उन केसेस के अंदर अगर अपीलेंट चाहें, अगर असेसी चाहे, तो वो अपना एमनेस्टी स्कीम के अंदर पेमेंट करके जो भी रिलीफ्स आते हैं और उस रिलीफ के बेसिस पे वो केस को क्लोज कर सकता है। इसमें दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होती है, सरकार के लिए भी और असेसी के लिए भी। इस स्कीम को लाकर कानूनी कार्रवाई में खराब हो रहे टैक्स डिपार्टमेंट और टैक्स पेयर्स के बेशकीमती वक्त को बचाया जा सकेगा। इस वक्त को बेहतर कामकाज में इस्तेमाल किया जा सकेगा। हालांकि शुरुआती योजना के आधार पर इस स्कीम की सफलता का अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं। ये स्कीम किस हद तक अपने मिशन में कामयाब हो पाती है, इसका अंदाजा स्कीम के हर छोटे बड़े पहलू के सामने आने के बाद ही लग सकता है। जानकारों का भी मानना है कि सरकार टैक्स चुकाने के लिए किस तरह की छूट का ऐलान करेगी, इससे ही साफ हो पाएगा कि टैक्स पेयर्स इस मौके का किस तरह से फायदा उठाएंगे। गवर्नमेंट ने 2016 में पार्लियामेंट में बताए थे कि डायरेक्ट टैक्स में, मतलब इनकम टैक्स में, उनका 8 लाख करोड़ लिटिगेशन में फंसे हुए हैं। तो आज की तारीख में मेरा ख्याल है वो 10 लाख करोड़ पे पहुंच चुके हैं। तो गवर्नमेंट चाहते हैं कि एमनेस्टी स्कीम दे दे और जिन लोगों ने, जो टैक्स पेयर ने लिटिगेशन पे जा चुके हैं, वो वहां से विथड्रॉ करे और गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दे। उसके अगेंस्ट में जब डिटेल्स आएगा तब पता चलेगा, शायद इनडायरेक्ट टैक्स जैसे ही गवर्नमेंट इसमें भी इंटरेस्ट पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन माफ़ कर देंगे। हालांकि स्कीम को सफल बनाने के लिए सरकार को पिछले स्कीम की असफलता से सीख लेनी होगी। दरअसल 3 साल पहले इसी तरह की स्कीम लाई गई थी, जिसमें टैक्स की रकम के साथ साथ ब्याज चुकाने की भी मांग की गई थी। उस स्कीम में केवल पेनाल्टी पर छूट दी गई थी। इसका नतीजा ये निकला कि लोगों ने स्कीम में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। ऐसे ही इस बार जब तक इसकी सारी जानकारी सामने नहीं आएगी, स्कीम की सफलता के बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। देश में कई केस तो 12 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। इन केस को सुलझाने के लिए सरकार को टैक्स डिफॉल्टरों को ऐसा कोई लुभावना ऑफर देना ही पड़ेगा, जिससे वो टैक्स चुकाकर आगे की तरफ बढ़ने के बारे में सोचे। उम्मीद है कि 31 जुलाई तक इसका ब्यौरा टास्क फोर्स सरकार को सौंप देगी। इसके साथ ही टैक्स से जुड़ी दुविधाओं और मुश्किलों को दूर करने के लिए अब डायरेक्ट टैक्स कोड पर भी काफी कुछ निर्भर करेगा।